सो ही गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं अभी पार्किंग में हूँ। तो ये पार्किंग मेरे कॉलेज की है। तो अब मेरे साथ मेरी फ्रेंड है फरहीन। तो फरहीन से हाय टू एवरीवन। हेलो एवरीवन। सो आज हम कॉलेज आए किसी काम से, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो पहले हम सीक्रेट तो पहले हम वो काम कर लें। उस काम को करने के बाद फिर हम जहाँ जहाँ जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि आज हम आपको अपना कैंपस दिखाएं। दिखा दें इनको। बिल्कुल। तो हम आपको फिर अपना कैंपस दिखाएंगे। कैंपस तो हमारा बहुत बड़ा है, 110 एकड़ में है शायद। और इतना पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे और जो भी कुछ मेन होगा वो हम आपको जरूर से दिखाएंगे। दिखाते हैं हम आपको। सो फरहीन से मैं कह रही हूँ, मैंने कहा था पानी की बोतल उठा ले। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, तो अब हमने पानी की बोतल उठा ली है। और हम मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कि अभी तो हम पार्किंग में ही, सारी हमारी पार्किंग है एमिटी की। वो एमिटी के पीछे बसेज है, वो मतलब एमिटी ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है ना, जो ऐसे लोकल में रहते हैं आस पास वाले के लिए। और यहाँ पे वैसे हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। मैं सब बताऊंगी आपको वीडियो में, अभी एक साथ नहीं बता पाऊंगी। और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर वीडियो इंटरेस्टिंग होगी हमारी जरूर। तो अभी तो हम दोनों ही हैं, अंदर जाके हम आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाते हैं। तो स्टे ट्यून। सो गाइस, ये हमारे कैंपस की बिल्डिंग्स है। तो ये जो सामने ये वाला ए ब्लॉक है, और ये सारा हॉस्टल ब्लॉक है ये वाला सारा। और यहाँ से आगे जाके ये जो सामने, ये लेफ्ट नहीं राइट में जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है पीछे पीछे जूस कॉर्नर वगैरह, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये वाला ए ब्लॉक है, और ये हमारा ऐसे ही है। और यहाँ पे जाके नीचे हॉस्टल के लिए लॉन्ड्रीज हैं, और वो सामने वाला बी ब्लॉक है। अभी तो बहुत दूर है, दिख नहीं रहा, मैं आपको पास जाके दिखाती हूँ। और ये ऐसी है, यहाँ पे बैठ सकते हैं हम। और वो सामने दिख रहा है, ये जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, वो नीचे भी एक कैंटीन है, उसे हम अन्ना कैंटीन बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कैंटीन थी। तो भाई ऐसा मत बोलना कि आप लोगों ने मास्क हटा रखा है। मास्क हमने सिर्फ वीडियो हटाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मास्क हमने हटाए, अदरवाइज तो मास्क हम लगा के रखते हैं। और हमने फुली वैक्सीनेटेड है हम, और वैसे भी आसपास कोई नहीं है, तो इसलिए हमने मास्क हटा दिया है। तो गाइस ये देखो, वो भी पीछे जो दिख रहा है ना, वो भी हमारा हॉस्टल ब्लॉक ही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अब। क्या दिखाएं आप, क्या दिखाएं? एक तो ना हमारा कॉलेज इतना बड़ा है। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सबसे कह रही हूँ। और ऊपर से वीडियो बनाना, चलते चलते वीडियो बनाना। तो मैं ना अभी आपको वो दिखाती हूँ बोर्ड, उस बोर्ड पे लिखा है सब कुछ, उसे आपको पता चल जाएगा। सो गाइज ये बोर्ड देख लो, तो आपको सारे एरोस दिख रहे होंगे। उस तरफ हॉस्टल है, इधर एकेडमिक ब्लॉक डी है, फिर ऑडिटोरियम है, फिर मिलिट्री कैंटीन भी है, और कॉलेज भी, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, और मेन गेट भी उस तरफ है। वो मेन गेट भी मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में एंड में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बैनी एंट्री है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ से हम दोनों आए थे, और अब हम यहाँ जा रहे हैं। और ये जो दो बिल्डिंग्स के बीच में आपको ये दिख रहा है ना, ये कनेक्टेड है। तो मतलब किसी भी दूसरी बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए आपको बाहर नहीं आना पड़ेगा, किसी भी ब्लॉक से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। आप कनेक्टर के थ्रू किसी भी ब्लॉक में जा सकते हो। तो ये वाला जो है ना, ये ए ब्लॉक है, और ये बी ब्लॉक है, और ये बीच में कनेक्टर है। तो आप डायरेक्टली ए ब्लॉक से बी ब्लॉक जा सकते हो। और ऐसा ही वो जो उसके पीछे दिख रहा है ना, वो मैं आपको पास से जाके दिखाऊंगी, वो वाला जो है वो बी ब्लॉक से सी ब्लॉक जाने के लिए कनेक्टर है। और ये सारे यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं। और ये वाला जो यहाँ से जो रास्ता जाता है ना, फिर इन हाथ करके दिखाइए ऐसे, यहाँ से जो रास्ता जाता है ना, उससे इधर जाएंगे ना, तो बी ब्लॉक की कैंटीन आ जाएगी। ठीक है, तो वहां से हम, पर वहां से वो वाली कैंटीन हम दिखाएंगे, पर वो हम यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से जाके दिखाएंगे। तो गाइज ये देखो, ये वाला सी ब्लॉक है, और वहां पे कैंटीन है, तो वो कैंटीन भी, कैंटीन नहीं लाइब्रेरी है, वो कैंटीन, वो यहाँ पे, वो देखो बी ब्लॉक भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वो सब दिखाऊंगी। और वो जो सामने वाला है वो डी ब्लॉक है,
और यहाँ से पीछे जाके वही जूस कॉर्नर वाला रास्ता आता है जो मैंने आपको बताया था। सो गाइस दिखाते हैं धीरे धीरे। सो गाइस कुंजन तो हेलो, ऐसे मिलते हैं, अच्छे से मिलो, ऐसे ही मिलो, अच्छे से मिलो जल्दी। हाय परिन, फिर दोबारा मिल। हाय गाइस, हमारे पास कुछ काम नहीं करने के लिए, जिस काम के लिए हमारे वो हमारा हो चुका है, जो कि जिस कार्य बहुत बड़े वेले। तो अभी ना क्या टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया। हाँ लंच, तो हम लंच करने जा रहे हैं। कोई नहीं मारेगा यार, कभी कभी होता है ऐसे, हंसी आती है दोस्तों के साथ होते हैं तो। आती है कि नहीं आती? ब्लॉग बन रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अभी नीचे जाके औरों से भी मिलाते हैं। हेलो अनुभव। हाय अनुभव, हट जा मेरे को जाने दे। YouTube पे डाल देगी, कोई मत डाल। सो गाइस हम आ गए अपनी लाइब्रेरी में। अनुभव यहाँ पे ना बोलना बना है, चुप रहे थे लाइब्रेरी में, सब चुप रहे थे। क्या कह रहे तू, क्या कह रहे तू, हर प्रकार की बात। तो अनुभव कुछ कहना चाहता है लाइब्रेरी के बारे में, बोल जल्दी। बोल दे क्या चली का। मैं भी दिखा दूंगी यहाँ का, ये फार्मेसी मेडिकल बुक्स। तो अनुभव कह रहा है यहाँ पे हर प्रकार की बुक है, मेडिकल बुक्स, नर्सिंग, नर्सिंग की बुक्स है, इग्नू स्टडी, बायो, बायोकेमिस्ट्री की बुक है। यहाँ पे दिखा दूं, ये देखो दिख रहा है, ये नर्सिंग की बुक है और ये सारी बुक्स है यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो बुक्स ही होती है और क्या दिखाएंगे, ज्यादा नहीं बोल सकते। पढ़ ली, समझ आ गया। चाइल्ड हेल्थ की आप चिट्ठी पढ़ के आपको दिखाएगा कि किताब कैसे पढ़ते हैं। बता, किताब कैसे पढ़ते हैं, चिट्ठी रोबोट, रोबोट पढ़ के दिखाएगा। ओह माय गॉड, वाओ। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक, चाइल्ड हेल्थ इधर है, सॉरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो हमारे लाइब्रेरी में आपको हर प्रकार की बुक्स मिलेंगी। तो कैमरा मेरा सही से होल्ड करो, मेरे साथ ही कैमरा मैन है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये पीछे हमारा कैंपस दिख रहा है, कैमरा मैन ने कैमरा थोड़ा। सो गाइस देख लो, ये बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और मैं घूम रही हूँ, इनकी प्रेजेंटेशन हो रही है। सो इन प्रिवेंशन वी विल लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। सो एज वी नो दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज एंड वायरस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। And next, we can also, being a healthcare provider, we can also wear protective covering while performing certain tasks like suctioning the patient or inserting the tubes.
गाइस अभी हम जा रहे हैं जूस कॉर्नर, और उस साइड है जूस कॉर्नर और ये अपना कैंपस, वहाँ पे लाइब्रेरी, वहाँ से निकल के आए हम। और ये देखो ये रही गुंजन, बीच में हिचकी भी आ गई मेरी। गुंजन भी स्नैप बना। सो गाइस वो देखो, वो रहा हमारा बनियन ट्री। वो देख तेरे दोस्त। तो गाइस वो देखो, वहाँ पीछे है हमारा एंट्रेंस कॉलेज का, और ये है बनियन ट्री। थोड़ी सी धूप हो रही होगी और मास्क लगाना जरूरी है। और ये बनियन ट्री, और उस साइड हॉस्टल है। बाकी आगे बता, आगे क्या है ये बनियन ट्री बताओ ने वीडियो मेरी। अच्छा बनियन ट्री, ये हमारा बनियन ट्री है। यहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट होती है वो सब यहाँ पे होती है, तो जब भी कुछ फंक्शन होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं सब। तो अब अगर हम अपने मेन गेट से आएंगे, जो हमने पीछे दिखाया था अपने मेन गेट से, और फिर हम यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे, तो एक यहाँ पे है, वहाँ पे हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। पर अभी तो हम वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं घूमते घूमते। क्योंकि हमारा कॉलेज, मैंने जैसे सुबह बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो चल चल के पैर दुख जाते हैं हमारे। तो अगर मैं फिर आई कॉलेज तो दिखाऊंगी, वहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और यही था हमारा बनियन ट्री, और बस वो सामने पीछे बी ब्लॉक है, और अब हम उधर ही जा रहे हैं। सो बस अभी हम थोड़ी देर तक निकल जाएंगे घर के लिए, और अगर कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे, जैसा भी होगा बता देंगे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कॉलेज से हम बहुत देर पहले निकल गए थे जैसे मैंने आपको दिखाया था, पर रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, और इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि हमको आते आते लेट हो गया। और टाइम क्या हो गया, साढ़े पांच हो गया, और अब बस थोड़ी देर में घर आने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो यहाँ तक, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, किसी को बताना हो कि एमएडी में जाना हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो मच। और गाइस इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो या अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो थोड़ी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है वीडियो में, क्योंकि जब कॉलेज जाते हैं तो हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं, इतना कुछ होता नहीं दिखाने के लिए सही तरीके से। जितना भी मुझे टाइम मिला, जहां भी मैं गई कॉलेज में, मैंने वो सब आपको दिखाया कवर करके। अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, तो मैं फिर जब नेक्स्ट टाइम कॉलेज जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी मैं आपको सब कुछ दिखा दूं। तो टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।